अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। और ये वीडियो आज मुझे बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है क्योंकि मैं काफ़ी कुछ दिनों से, दो चार दिनों से खबरें कुछ देख रहा था, कुछ पढ़ रहा था इंडिया के हवाले से कि इंडिया में एक कानून नाफिज किया गया है जिसे CAA कहते हैं। उस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू, बौद्ध और जैन या दूसरे जो गैर मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम अक्सरियती जो ममालिक से जाके इंडिया में बसे हैं, उनको शहरियत देने के हवाले से है, जो कि एक मुतनाज़ कानून कहा जा रहा है इंडिया के अंदर। मैं हालांकि न्यूज़ वगैरह पे काम नहीं करता, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे काम से रिलेटेड थी चीज़, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को भी कवर कर रहा था अपने ट्रेवल ब्लॉग के अंदर, क्योंकि मैं कल्चर्स दिखाता हूँ बहुत ज़्यादा और हिंदुओं पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। तो उसके अंदर जैसे कि उनके इस कानून के मुताबिक जो बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पे जो ना अकलियतों के साथ बकौल इंडिया के, भारत के यहाँ पे जुल्म और सितम होते हैं, उनकी इस हवाले से सपोर्ट के लिए उन लोगों की ये कानून पास किया गया है इंडिया के अंदर। उन लोगों को जो है शहरियत दी जाएगी जो वहाँ पर गैर मुस्लिम, जो यहाँ से भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जाके जो बसे हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको शहरियत दी जाएगी इस कानून के मुताबिक, जो कि इंडिया के अंदर भी काफ़ी एहतजाज किया जा रहा है इस हवाले से और लोगों को बहुत ज़्यादा खदशात हैं इससे। और ये अगर देखा जाए तो ये कानून जो है मुस्लिम मुखालिफ कानून जो है वो जो इंडिया में नाफिज किया गया है इसके हवाले से, क्योंकि मैं इनकी मीडिया के ऊपर भी देख रहा था बहुत ज़्यादा, इंडियन मीडिया के ऊपर जो चल रही थी खबरें, जो जुल्म सितम की बात की जा रही थी पाकिस्तान में। मैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हवाले से तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मैंने इन कम्युनिटीज़ पे काम किया है, पारसी कम्युनिटी हो गई, हिंदू कम्युनिटी हो गई और सिख हो गए, इसी क्योंकि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी कि उनको कोई जुल्म सितम हुआ हो या कोई इस तरह की चीज़ें हों, बल्कि मैंने उनसे बात की है। आइए चल, बल्कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कराची के अंदर रणछोड़ लाइन के अंदर मौजूद जो है एक हिंदुओं का इलाका नारायणपुरा के नाम से था, वहाँ पे जब मैं गया हूँ और वहाँ पे जाके मैंने लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने क्या कहा वो वहाँ के हिंदुओं ने, ये आप इस वीडियो के अंदर देखें, फिर आपसे बात करता हूँ। इस बार मैं पहुँचा हूँ कराची के अंदर रणछोड़ लाइन में, जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं। हिंदुओं के अंदर बहुत सारी कास्ट होती हैं, ये ज़्यादातर इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में कहीं भी ये चक्कर नहीं है। पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं या अजदाद कोई माइग्रेट किए थे? नहीं, हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं। कितनी पीढ़ियां यहाँ पे पाकिस्तान में हो गई आपकी? हमारी मतलब के 7 पीढ़ी तो पाकिस्तान, 7 पीढ़ी पाकिस्तान के अंदर। ओह, तो आप लोगों ने माइग्रेट नहीं किया था इंडिया की तरफ, बाकी लोग हम कभी सोचा भी नहीं। एक सदी गुजर चुकी है, एक सदी हो गई है इस कम्पाउंड में। हमने देखा है टीवी के अंदर, देखा है मैंने तो, होली मनाई जाती है और दूसरे कौन से त्यौहार होते हैं? दिवाली होती है, नवरात्रि होती है यहाँ पे, इस तरह होता है, माशाल्लाह होता है, इतना होता है, अच्छा अच्छा। और नवरात्रि तो बहुत उत्सव से मनाते हैं हम लोग, अच्छा अच्छा। 10 दिन यहाँ पर उसकी मतलब महिमा होती है, के बच्चे पूरा मोहल्ला दुल्हन की तरह सजाया जाता है, यहाँ तक के बाहर से हमारे जो मुसलमान भाई है वो भी हमारे साथ होते हैं, वो भी आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पुलिस का और रेंजर्स का हमें काफ़ी सपोर्ट भी है, पूजा पे कोई पार्टी वगैरह जो भी है उनका, सबों का सपोर्ट बहुत हमें सपोर्ट। के हिंदुओं के अंदर बहुत सारी वो होती हैं, कास्ट होती हैं, जातें कहते हैं, तो यहाँ पे भी कोई जातें वगैरह का है चक्कर? ये ज़्यादातर इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में कहीं भी ये चक्कर नहीं है, ये जात वाला चक्कर, जात पात का चक्कर। वैसे हम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं, अच्छा। बाकी जात पात का ब्राह्मण क्षत्रिय और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये सब वहाँ है, नफरा नफरी पाकिस्तान में कुछ नहीं, खुशी तौर पर कराची के अंदर हम सब इक्वल हैं। अच्छा, आप लोग सब यहाँ खुश हैं? बिल्कुल खुश, कोई मसले मसाइल तो नहीं? मसले मसाइल नहीं, बिल्कुल खुशी से पाकिस्तान में, पाकिस्तान जाने का मौका मिले और कोई पाकिस्तानी जितना कोई और सब कम नहीं, हम भी बुरा पाकिस्तान उससे ज़्यादा पाकिस्तान। चले भी नारा मार दें पाकिस्तान। तो आपने देखा कि उन लोगों का क्या कहना था, बल्कि वो तो यहाँ से जो है ना पैदल जाते हैं अपने जो मंदिर बलूचिस्तान के अंदर, उनका मंदिर है यहाँ हंगलाज माता का जो मंदिर है वहाँ पे, और उनको यहाँ पे बहुत खुश हैं सारे और उनको कोई यहाँ पे मसला नहीं है, जो जैसा कि आपने सुना। तो एक सबसे पहले इस वीडियो के इस क्लिप से उनके इस दावे की मुनाफी होती है कि जुल्म सितम होता है। और इसी तरह ये एक जगह नहीं थी, कराची के अंदर एक मंदिर था जो कि अभी भी मौजूद है,
समंदर के किनारे पे, वो मंदिर के अंदर जब मैं गया तो वहाँ पे उनकी रसूमात चल रही थी कि आखिरी रसूमात जो है वो कैसे अदा की जाती हैं वहाँ पे कराची के अंदर, जो है उनकी जो जलाने के बाद जो अस्थियाँ बहाई जाती हैं वो समंदर के अंदर बहाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका वो मुकद्दस गंगा और वो जमुना तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे समंदरों में अस्थियाँ बहाई जाती हैं। वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो ये भी देखिए कि वहाँ पे उनको क्या अपने इस तरह की रसूमात अदा करने की इजाज़त है पाकिस्तान में या नहीं, ये वीडियो देखें फिर आपसे बात करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। अच्छा, ये अभी क्या चल रहा है जो यहाँ पे? ये पिंड की अर्थी को स्नान करने की क्रिया का रस्म हो रहा है यहाँ पे। ये भी अस्थियाँ बहाने के लिए अब ये ले जाया जा रहा है और ये उनकी अस्थियाँ हैं, हमको लेके जाएंगे कश्ती के अंदर। हम जा रहे हैं समंदर के बीच में उन अस्थियों को बहाने के लिए। तो आपने देखा कि मजहबी रसूमात भी अदा की जा रही हैं बिना खौफ व ख़तर, बिना किसी रोक टोक के, और यहाँ पे कोई ये एक ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे ऐसा हो रहा हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी हिंदू आबाद हैं उनको पूरी तरीके से रहने की इजाज़त आज़ादी है और कोई रोक टोक नहीं है, कोई जुल्म सितम कहीं पे भी ऐसा देखने को मुझे नहीं मिला। क्योंकि मैं ख़ास तौर पे वीडियो इसीलिए बना रहा था जाके कि इस तरह की अगर कोई चीज़ हो तो सामने आए, लेकिन मेरे सामने नहीं आई। बल्कि मैंने तो उन हिंदुओं से भी बात की जो हिंदू कम्युनिटी है, उनका भी ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो चीज़ें, चलो दो चीज़ें हो गई यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हैं। इसके साथ साथ कई जो ना मंदिर हैं पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल भी हैं और पुराने भी हैं जो अब तक कायम हैं, जिनको अब तक नहीं ख़त्म किया गया है। इसी तरह रहीम यार खान के अंदर एक इलाका था भील नगर, जहाँ पे मुख्तलिफ मज़हब के लोग मिलजुल के रहते थे, जिसके अंदर हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं। तो वो आपको दिखाता हूँ वो भील नगर की वीडियो, और वहाँ पे उनका एक मंदिर भी मौजूद है, वो भी आप देखें। ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान के इलाके। भील नगर एक ऐसा इलाका है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम आपस में एक साथ रहते हैं। इस एरिए में सारी कम्युनिटी है। अच्छा, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हाँ जी रहते हैं, मेंगवाल भी हैं और भील बरादरी भी हैं। तो आपने देखी यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे तमाम जो ना हिंदू मुस्लिम लोग सारे मिलजुल के रह रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे किसी पर कोई जुल्म सितम किया गया हो या किसी के साथ ज़्यादती की गई हो माइनॉरिटी समझ के या हिंदू समझ के, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं देखी है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। एक वीडियो और है जो कि अभी आएगी, बल्कि एक नहीं दो वीडियोज़ आएंगी, जिसके अंदर मैंने एक और मोहल्ला दिखाया है हिंदुओं का, वो रहीम यार खान के अंदर ही है, लेकिन वो वीडियो अभी आ जाएगी इंशाल्लाह जल्द, वो वीडियो भी मैं डालूंगा। तो उस पर भी आप देख लीजिएगा कि क्या जुल्म व सितम होते हैं, क्या उनके साथ मसले मसाइल हैं, ऐसा कुछ है भी या नहीं। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा मैं गया था घोटकी या ढेर की मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गए शायद। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाका है हिंदुओं का, उस मंदिर का मुझे नाम याद नहीं है। इसी तरह सिखों की कम्युनिटी भी है ढेर की के अंदर, या घोट की थी, पता नहीं मुझे नाम ही याद, शहर का कौन सा शहर था वो। और वहाँ पे मैं गुरुद्वारे में भी गया था। अभी ये तो आपने देखा कुछ हिंदू कम्युनिटी के हवाले से। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कराची में मौजूद गुरुद्वारा और जो सिखों का जो मोहल्ला है जहाँ सिख रहते हैं, और सिखों का 2 गुरुद्वारे थे जो मैंने दिखाए थे। ये वीडियो देखें, उसके बाद आपसे बहुत बात मिलता हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुख्तलिफ मजाहब के लोग आपस में साथ रहते हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा। मैं अभी मौजूद हूँ गुरुद्वारे में। ये मेरे लिए ऐसा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं कराची में किसी गुरुद्वारे में आया हूँ, जहाँ की सिख कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में इधर आबाद है। आइए, गुरुद्वारे के अंदर जाने के एसओपीज़ होते हैं कि आपको सर पर कुछ कपड़ा लेना पड़ता है, तो वो कपड़ा मैंने लिया है सर पर, और चल के अंदर गुरुद्वारे में देखते हैं और अंदर बात भी करते हैं। ये जी गुरुद्वारा यहाँ पे, और यहाँ पे सिख कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में जो है ना इस जगह पे रहती है। सत श्री अकाल जनाब, क्या हाल चाल है आपके, खैरियत से हैं आप लोग? सिख कम्युनिटी से ही हैं तो थोड़ी सी बातचीत हो सकती है जी, कर ले। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका भाई? संदीप सिंह।
सरजीत सिंह, संदीप सिंह, सरदीप सिंह, संदीप सिंह, संदीप सिंह। तो आपने देखी ये वीडियोस, इसमें कहीं भी आपको कहीं शिकायत करते हुए नज़र आए हो कि उनको रसूमात की अदायगी नहीं दी करने दी जा रही या उनके साथ कोई जुल्म सितम हो रहा है? अच्छा, एक ये चीज़ें तो आपने देख ली ना, क्योंकि जलाने का भी यहाँ पे है, मैं गया था वहाँ पे जहाँ पे जलाया जाता है हिंदुओं के मुर्दे जो लाश होती है, क्योंकि इनका एक मजहबी तरीका होता है, इसी तरह दफनाया भी जाता है हिंदुओं के अंदर, कुछ जो कास्ट है इनकी उसके अंदर जो ना दफनाते हैं। तो मैं उस कब्रिस्तान में भी गया जहाँ पे हिंदुओं के मुर्दों को दफनाया जाता है, तो ये कब्रिस्तान देखें, ये ख़ास कब्रिस्तान था जहाँ पे हिंदू ही दफन होते हैं, ये कब्रिस्तान चल के देखते हैं, ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। आज मैं दिखा रहा हूँ हिंदुओं का कब्रिस्तान, यहाँ पे मुसलमानों की एक कब्र भी मौजूद नहीं है और ये खालिस्तन हिंदुओं का कब्रिस्तान है। पुराना गोली मार के अंदर पुल के साथ उतरते ही ये कब्रिस्तान वाकई है। आइए ये कब्रिस्तान भी देखते हैं, इसकी तारीख भी जानते हैं और यहाँ पर क्यों दफनाया जाता है ये भी जानेंगे। भाई राजू भाई मेरे साथ मौजूद हैं और ये मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, कब्रिस्तान का नाम भी पूछते हैं और तारीख की भी बात करते हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते। अच्छा राजू भाई, मुझे बताएं ये कब्रिस्तान जो है कितना पुराना कब्रिस्तान है? ये कम से कम 2 साल पुराना होगा। 200 साल पुराना पुराना। अच्छा, सोनपुरी के साथ ही था ये। अच्छा, ये सोनपुरी के साथ ही था ये। इसके बाद फिर हमें जो है ना यहाँ पर के जैसे वहाँ पर जलाते हैं तो यहाँ पर हम लोग दफनाते हैं। अच्छा, ये दफनाने का मजा ये है कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपने वालिदैन को जलाते नहीं उसकी निशानी के तौर पर। अच्छा, तो उसने ये प्लाट हम लोग को आधा इस तरफ हम लोग ने करके ना अलग से, तो ये हमें यहाँ पर ये कब्रें बनाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, तो आपने देखा कि हिंदुओं को जलाने से लेकर उनकी अस्थियाँ बहाने से लेकर दफनाने तक उनकी रस्मात मंदिरों के अंदर पूजा करने से लेकर हर तरह की आज़ादी हासिल है हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फिर उस कानून के अंदर जो कि इंडिया में पास किया गया CAA जिसे नाम दिया गया है, और उसके अंदर उसकी बेस को ये बनाया कि अक्सरियती मुस्लिम मुल्कों के अंदर जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान का तो मुझे नहीं मालूम, पाकिस्तान का मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, क्योंकि जहाँ वो दावा मैं उसी से कर सकता हूँ जहाँ मैं गया हूँ। तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि जहाँ पे जो ना इनके साथ कोई जुल्म सितम किया गया हो या कोई इस तरह का कोई रवा किया गया हो रवैया जिससे किसी चीज़ को ठेस पहुँचे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी ये कि मैं तमाम जो हमारे जो जितने भी, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स में बहुत ज़्यादा इंडिया से भी लोग हैं और पाकिस्तान से, दुनिया भर के जो गैर मुस्लिम भी हैं उनसे भी, वो भी सारे हमारे फॉलोअर हैं, तो मैं किसी की दिलाजारी नहीं चाहता था कि किसी की दिलाजारी हो, मैं सिर्फ एक जर्नल और वेव के अंदर बात की और दिखाने की कोशिश की कि जो प्रोपेगेंडा जो किया गया जो मीडिया की जानिब से वो प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत था या गलत है, या इंडिया की गवर्नमेंट जो प्रोपेगेंडा कर रही है उस हवाले से ये क्लियर करना था मेरे लिए कि हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कोई मनादगी नहीं है, बल्कि सबको आज़ादी है। जितने भी मजाहिब यहाँ पे आबाद हैं वो तमाम जो ना अपनी इबादत खुल के कर सकते हैं, उनको मंदिरों में जो है वो जाके इबादत करने की भी इजाज़त है, वो बल्कि एक आम पाकिस्तानी की तरह ही यहाँ पे रहते हैं, और इसके अलावा जो सिखों के गुरुद्वारे हैं वो भी काम कर रहे हैं और वो भी आज़ादी से रह रहे हैं यहाँ पे। पारसी कम्युनिटी भी यहाँ पे आबाद है, उनसे भी मैंने बात की, उनका इंटरव्यू किया, वो भी आपने देखी होगी वीडियो। तो इस तरह आज की वीडियो का सिर्फ मकसद ये था कि मैं सिर्फ आपको दिखा सकूँ कि ये जो इंडियन मीडिया के अंदर जो ये बात की गई है, हालांकि इंडिया मेरे जो आबाव अजदाद थे वो भी इंडिया से ही आए थे और मैं काफ़ी काम करता हूँ, मैं इंडिया भी जा चुका हूँ कई बार, तो लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही थी, तो मैंने कहा चलें आज मैं ये चीज़ें दिखाऊं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जो दिखाया जाता है दुनिया के अंदर, जो रुख पाकिस्तान का दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में सबको आज़ादी है हर जीने की, इबादत करने की, अपने तरीके से रहने की, और मैंने वो मार्केट भी दिखाई जिसके अंदर हिंदुओं की चीज़ें, हिंदुओं के बुत और इनकी रसूमात जो मजहबी रसूमात होती हैं उनकी चीज़ें मिलती हैं, वो भी मैं दिखा चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर, वो क्लिप मैं लगा देता हूँ उसके अंदर, आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो कुछ मालूमाती वीडियो ज़रूर होगी, और मैंने बस क्लेरिफिकेशन की इसके अंदर कोशिश की है ये दिखाने की कि भाई ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई जुल्म सितम नहीं होते और सब खुश हैं यहाँ पे, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ही था, अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।